अपना हो गया है RFID कार्ड का। तो ये है चिनाब नदी जो पाकिस्तान जाती है, जो मोदी साहब ने आगे डैम बना दिया है ना, वो नदी है। तो ये आ गया है नुनवान बेस कैंप, जहाँ अब हम एंट्री करेंगे, अंदर चला जाते हैं। और ये नुनवास बेस कैंप के बाजू में बगल में नदी थी। अभी बेस कैंप के अंदर मार्केट है, मार्केट में कार्ड भी मिल रहे हैं। ऑक्सीजन मेडिकल बेस कैंप। OPD भी है। घर से कुछ भूल गए हो तो इधर से खरीदी कर सकते हैं। मार्केट है। आगे भंडारे आएगी इसके आगे। नहीं, वो तो शूटिंग ले रहा हूँ जानकारी के लिए अपने, बस ले जाने बोलता। लंगर ना, लंगर नहीं, लंगर आगे। अरे वहां पे लगे तू। हां, पर लंगर जम्मानो है ना, लंगर कहवाए। सितर ठीक है, आ रहा क्या बराबर। अभी हल्का फुल्का करते हैं नाश्ता। कुछ बोलते हो कि नहीं ऐसे ही? ये माता जी आइए, बोले गर्मा गर्मा बोले बोले और आगे बढ़ जाओ हल्का, मेरा माल बच जाएगा। इधर मेले जैसा है, अंदर घुस गए फिर बाहर, फिर से चेकिंग करके अंदर आना पड़ेगा। उंदियू चाय पीते हैं या जितने भी यात्री डिस्पोजेबल आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं वो केवल वहां पर कूड़ेदान का इस्तेमाल करें। बीच रास्ते में कोई भी डिस्पोजेबल ग्लास या कोई डिस्पोजेबल। विशाल भंडारा ए, इससे अच्छा वो रूम रख लिया। अच्छा है, आप देख लो नेक्स्ट लेवल का भंडारा है। ऐसा लगेगा कि किसी के शादी में आए हैं, ऐसा भंडारा है। देखो ये सब काउंटर लगे हैं और ये मिल रही है सब चीज इधर। हमारे कैंप के अंदर आपको वो क्या है, आलू पोर्टेबल ऑक्सीजन, आपको आलू
ये सफर जन है यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध रखा ये सफर जन है। आप मेडिकल कैंप के विलोम ककरोड़ एक छोटे से ब्लू कलर का एक काउंटर लगा है, वहाँ से अपने साथ ले सकते हैं। पीछे तो यात्रियों से हमारा निवेदन है कि उसे एहतियाती तौर पर आप अपने साथ डिस्ट्रिक्ट मानसा पंजाब बोले जी बैठ आपकी हाँ खींच देता हूँ, खड़े रह जाओ। तो चलो अभी अब एंट्री करो अंदर फटाफट। बाय 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 रिटर्न रिटर्न गिफ्ट। अभी ऐसे ऐसे चलने का है तो कोई भागेगा नहीं, ट्रैफिक नहीं होगा इसमें। सही है ना? हाँ इसमें ट्रैफिक नहीं होगा। और बंदे भी चल रहे हैं। और थोड़ा सा तो फ्रेंड्स चेक पोस्ट पार कर लिया हमें, वो जा रहे हैं ऊपर, देख सकते हो फ्रेंड्स इधर चाय पानी सब मिल रहा है। पोस्ट पोस्ट ले हुआ था, ले लीजिए तो फ्रेंड्स इधर ORS भी मिल रहा है फ्री में, आप देख सकते हो सब सुविधा इधर सब। चलो चलो भैया पहुंचे ना, रुक कर नहीं 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 अभी कितना चश्मा लगे पहने कहाँ गए वो। हाँ भाई आया हर गुरु फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अमरनाथ की यात्रा की स्टार्टिंग इधर से हो रही है, वो सब जाने लगे हैं। चलो जाओ वीडियो में दोस्तों।
क्या ऊपर जाए, घर पे जा रहा है कट लेवा जातो है। तो फिर खाते हो क्या करते भाई? ओ जोर, ये पुराना रास्ता है नीचे, ये नया वाला रास्ता है, ये नया वाला, ये घोड़ो खच्चर के लिए वही जाते हैं, उधर के लिए कर दिए। हाँ, वो चलने के लिए वही दो रास्ते है। ये वाला तो ट्रैक है भी मुश्किल है, ये पुराना, हाँ ये पुराना था ही, ये नया बनाया अभी, जो आम दिनों में आएगा ना तो इधर तक मिलेगा आने के लिए, घूमने के लिए, आम दिनों में इधर घूमने के लिए आते हैं, इधर लास्ट स्टॉप। फिर चेकअप हो रहा है फिर से, चंदनवाड़ी 0 वेलगाम 16 भैया, आप इधर आओगे तो ऐसा बैग लेके मत आओ, देख सकते हो आप कितना परेशान होते हैं। आगे तो ऐसा रोड भी नहीं मिलेगा। पिस्सू टॉप तक ही सब ब्लॉक डाले हुए, आगे तो फिर जैसा ऐसा है वैसा ही। आलू बुखारा भी मेहनत है, यहाँ आगे देखना कितना चढ़ाई है क्या है, मेहनत का काम होता है। क्या फ्रेंड्स, ऐसी हालत हो जाती है देख सकते हो आप, पिछड़ रहे धीरे धीरे। जय बोले, जय बोले। आपने था क्या? क्या आई लव बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कश्मीर की खूबसूरती थक गए आप? नहीं थके, आप थक गए, पूरे थक गए एक दिन में खत्म करने वाले।
हमारे देश की शान आ रही है। अभी ऊपर जाने का है। भैया गलत बात है, चल तो रहा हूँ यार भैया। तो फ्रेंड्स और हेलीकॉप्टर है, चलो 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 यार, क्या हो ठंडी पुलिस सही में यार। तीखी चढ़ाई है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। चलो मनीष भूल गया खेत को तू। हेलीकॉप्टर का वीडियो मत बनाओ। तुम भी इसे चल रहे बच्चा, कोई नहीं पोले का सारा। जय ये पहाड़ काट के रास्ता बनाने का मशीन है। खीरा नींबू पानी, नींबू पानी कहाँ है पहाड़ी बकरी? वो ऊपर भेड़ है वो। एक पहाड़ तो क्रॉस कर रहे हैं। वो रास्ता इधर कनेक्ट होता है, पुराना वाला रास्ता।
तो ये रास्ते इधर से आके इधर जॉइंट हो रहे हैं। ये पुराना वाला रास्ता है, तो फ्रेंड्स पिछले टॉप पहुंच गए हम, 11,800 फुट ऊपर है। वेलकम टू अत्रिस पिछले टॉप। ये हमारी आर्मी है, निगरानी रख रही है। दूसरा भंडारा आया इस स्टॉप का। चाय है, बिस्कुट है, चने है, फास्ट का सब है। तो चलो फ्रेंड अभी आगे बढ़ते हैं, इधर से इस स्टॉप से आगे जाते हैं। ये हमारा भाई संडास भंडार जाके आया है, अभी उसका थोड़ा वजन कम हो गया तो अभी फास्ट दौड़ने लगा है वो, संडास जाके। अपने ज्यादातर यूट्यूब पे ये भंडारा देखा होगा, बहुत फेमस भंडारा है। आगे बढ़े आगे। ये कुर्सी साइकिल नंबर है। देखो खाना भी मिलता है यहाँ पर। ये क्या लेके आई? यार मैं व्रत का खाना लेकर आई हूँ कि आज मेरा फास्ट था, तो इसलिए मैं ये क्या बोलते थे साबूदाने के पापड़ और इसे लड्डू, नहीं पता मुझे क्या हमारा में इसको क्या बोलते हैं, राजग्रह के लड्डू बोलते हैं गुजराती में। ये राजग्रह के लड्डू बोलते हैं ना, ये साबूदाना। हाँ वो तो साबूदाने का पापड़ है। और ये भाई लेके आए चॉकलेट और रस, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। गोलगप्पे भी मिलते हैं, चाट मल्ला पापड़ी भी मिलता है, गरम खाना है, मिठाई है, तवा रोटी है, सब कुछ इधर मिल जाएगा आपको खाने में। कुछ खाने का टेंशन नहीं है आपको। इधर टॉफी बेचते हैं, टॉफी बांट रहे हैं चाचा। लाओ चाचा। और वो बोले तो फ्रेंड है कश्मीर की ब्यूटी, और आपको आर्मी वाले हर जगह मिल जाएंगे। पूरे पहाड़े पे सामने दिख रहा है, पूरा पहाड़ पे आर्मी खड़ी है। मैं कोशिश करके दिखाता हूँ आपको, जूम करके देखो, ये पूरी आर्मी खड़ी है हमारी सुरक्षा के लिए। तो ये होता है आर्मी का एक जुनून कि भाई हमारी सुरक्षा में खड़े है, तो उसका भी एक प्राउड होना चाहिए हमको कि भाई हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी इतनी अच्छी है तो हम ये यात्रा कर सकते हैं इनके वजह से। तो फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ी सी ढलान आई है नीचे उतरने के लिए, तो जा रहे हैं मिलिट्री बेस के अंदर, सब मिलिट्री वाले को
फ्रेंड्स देखो कितना खूबसूरत है सब। जो चल नहीं पाते वो नहीं आओ तो अच्छा है, बाकी घोड़ा तो नहीं करना चाहिए। ब्यूटीफुल यही मिला था ना क्रॉस करने को, काफी आगे यार नहीं बता पा रहा हमने कहा अंदर की तरफ। ये हमारी आर्मी प्राउड करो थोड़ा। तो फ्रेंड्स विश्वास फूलने लगे है कि इसको सांस की तकलीफ हो ना, जैसे जैसे आप चढ़ोगे ऊपर वैसे वैसे सांस फूलने की समस्या होती है। तो प्लीज इसको सांस की समस्या होना आए वो घर पे बने रहे और वीडियो देखते रहे हमारी, लेकिन ऐसे ना आए। और दूसरा नीचे पूरा ग्लेशियर है जो आप देख रहे हो सफेद कलर का, वो ग्लेशियर है और ग्लेशियर के नीचे से पानी जा रहा है, आप देख सकते हो पूरा। चलो अभी आगे जाके भी दिखाते हैं, ये पूरा ग्लेशियर है। अभी तो क्या ग्लेशियर सब पिघल रहे हैं, तो ये पानी का है, पानी आ रहा है अभी तो कुछ नहीं होगा बर्फ। आगे देखते बर्फ होगा, ये सब मेला बर्फ है। जाजीपाल 11,000 फुट 2 किलोमीटर है, एमजी टॉप 14,800 फीट है, वो 11 किलोमीटर है। ब्लॉगिंग कर रहा है। हाँ ये देखो घोड़े वाला है, घोड़ा चला रहा है। ये थक गई है लड़की पूरी, नींद ले रही है। अच्छा चश्मे के पीछे नींद नहीं मालूम ही नहीं पड़ता। तू भाई थक गया? नहीं नहीं बेटा, तू तो अभी उदान हुआ हमको मालूम है। बेटा दुख रहा है, ठीक है वो तो बेटा क्यों चल। ये भाई थक गया और थका नहीं और बोल रहा है कि मैं बैठा। चलो चलो ये पहाड़ी बकरे देखो ऐसे चल जाती है पहाड़ी बकरी। तो चल हाँ चल ले।
Wonderful view. Mineral water. Hello. Glucose में ऐसा बोलो ना. से दिख रहे हो घर में. जैसे कि चाइना टाउन में आगे हो ऐसा लग रहा है इधर का. देख सकते हो ये अपनी इंडिया की खूबसूरती है सब. देखो अभी हमारी छोटी थक गई है इसीलिए उसको हाथ पकड़ के चढ़ा रहा है ऊपर. आप देख सकते हो आपको ऐसे नज़ारे सिर्फ कश्मीर में देखने को लिए मिलेंगे. बाकी कहीं पे होगे तो मालूम नहीं. बाकी कश्मीर के नज़ारे देख लो आप. तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए हैं शेषनाग झील जहां शंकर भगवान ने अपना गले का नाक छोड़ा था. ड्रामा ड्रामा क्या कर रहा तू? ओ भाई बड़ा. चलो भाई साइड रखो घोड़े. घोड़ा वाला के साइड पे आओ. घोड़े आते आ जाओ. बेस कम वाले राइट मार दे और जो आगे जाने वाले हैं वो लेफ्ट मार दे क्योंकि 20 मिनट बचे हमारे पास. तो हम तो नहीं जाने वाले. हम जा रहे हैं बेस कम.
वहाँ रात रुक जाएंगे, फिर देखते हैं सुबह जल्दी निकल जाएंगे। हाँ जी देखा अंदर लगा। तो फ्रेंड्स ये है शेषनाग बेस कैंप जहाँ हम रात रुके थे। तो पर पर्सन 550 रुपये थे, लेकिन अच्छा था रुकने का। इधर तो आप आओ तो रुक सकते हो उधर शेषनाग बेस कैंप में। चलो चलो तैयार हो फटाफट। चलो यस रेडी। यस सर अंदर प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। कहाँ चले? कहाँ तक जाने का आज? पशुपति पशुपति जाने का। तो फ्रेंड्स हमने सुबह का नाश्ता चालू हो गया था। इधर आप देख सकते हैं टोस है, दूध है, चाय है, ब्रेड है, सब कुछ इधर मिलता है लंगर में। तो आप चाय नाश्ता करके चले, भूखे पेट ना चले, हल्का फुल्का नाश्ता करके चले, ज़्यादा भारी नाश्ता मत करिए, कब से चल नहीं पाएंगे, इसलिए हल्का फुल्का नाश्ता कीजिए ताकि चलने में दिक्कत ना हो। नाश्ता करके आगे अच्छा ये नहीं नहीं नहीं। तो फिर हमने भी हमारी यात्रा शुरू कर दिया है। यात्रा का दूसरा दिन चालू हो गया है। अभी हमारा पंचतरणी जाके नाइट स्टे का विचार करते हैं कि उधर जाके हम नाइट स्टे करें, क्योंकि उधर तक ही हम पहुंच पाएंगे, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है MG टॉप की। तो सांस बहुत फूल जाती है, आप 10-15 कदम चलो तो सांस बहुत फूल जाती है अपनी। इसीलिए आप रात्रि किधर भी रुक जाए, क्योंकि आगे बढ़ने की आप कोशिश करोगे तो कुछ समस्या हो सकती है, छाती में दुखना, सर दर्द होना, ऐसा सब कुछ होना चालू हो जाएगा। मतलब मैं आराम करते करते चलो आप। खूबसूरत नजारा है। अभी हम जितना ऊपर चढ़े थे उतना ही नीचे उतरने का है। जीवन में भी जितना ऊपर चढ़ोगे ना उतना भी नीचे उतरना पड़ेगा। मतलब मैं अभिमान मत करो, सबके साथ चलो और अच्छा रहेगा। अभी आगे पोस्ट पत्रिका भंडार आने वाला है, तो थोड़ा चलते हैं, देखो कब आता है पोस्ट पत्रिका भंडारा। तो झंडे तो आ गए हैं, चलो अभी चलते हैं पोस्ट पत्रिका भंडारे के साथ। ये
तो फ्रेंड्स ये आ गया है प्रोस पत्रिका भंडारा का एंट्री गेट है, अभी नीचे जाके देखते हैं कैसा है भंडारा। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा प्रोस पत्रिका का भंडारा, क्योंकि नेक्स्ट लेवल का भंडारा रहता है इधर, 56 भोग वाला। तो चलो जाते हैं नीचे प्रोस पत्री में। पोषपत्री मालिस सेंटर या प्रीमा होता मालिस। रॉयल भंडारा ऑरेंज नारियल पानी भी है। सब पी रहे नारियल पानी बोलते थे क्या? बहुत बढ़िया टेस्ट है। आलू कितने खाया? आलू ले जाओ। हमारे छोटे ग्रिल सैंडविच ले रहे हैं। सैंडविच है ना ये वाला। फ्रेंड्स सैंडविच ले लिया है, अच्छा है ना। भाई तुम क्या खा रहे हो? डोसा। डोसा डोसा खा गया? मैं डोसा खा रहा हूँ। गुजराती आइटम है, साउथ इंडियन आइटम। इधर दो। अनानास ले लिया है। क्या है? कबाब। कबाब है ये, मुझे वो डालना चाहिए। ये है मॉन्सोर आइसक्रीम, फेस पे लगाने के लिए क्रीम। आर्मी वाले तेरे साथ? वो सब उसके सामने देख रहे हैं आर्मी वाले। पूरा बूस्ट करने लैंडस्लाइडिंग हो चुका है इधर पूरा। उनको जाना है इधर। अभी गाइस 5 किलोमीटर दूर है, हमारी तो हालत खराब हो रखी है। अभी देखते हैं 5 तरनी जाके। चलो तो 5 तरनी। जो आप सेल फोन का टावर देख रहे हो BSNL के है। अभी बारिश चालू हो गई है, अच्छा करके नहीं बनता है। तो सामने जाना है। ए गाइस आ गया पंचतरणी, जहाँ पंच तत्व को भगवान भोलेनाथ ने छोड़े थे इधर अपने पंच तत्व। तो हम आ गए पंचतरणी।
बेस कैम्प जो सामने है ना वो पंचतरणी बेस कैम्प है। देखो ये सब प्योर वाटर मिनरल वाटर डायरेक्ट पीने का पानी। नहीं तो फ्रेंड्स ये है पंचतरणी का हेलीपैड जहाँ तक आप पहुँच सकते हो पंचतरणी पहलगाम से पंचतरणी और पंचतरणी से पहलगाम और दूसरा है और सोनमर्ग से पंचतरणी और पंचतरणी से सोनमर्ग। आप पंचतरणी आके 6 किलोमीटर गुफा इधर से दूर है तो आप घोड़ा या पालकी कर सकते हैं इधर से और इधर तक हेलीकॉप्टर की सेवा उपलब्ध है आपको तो आप हेलीकॉप्टर में भी आ सकते हैं। मतलब ऊपर हो या आ जाओ और हम इधर नाइट स्टे कर लेते हैं पंचतरणी में। कल सुबह हम निकलते हैं यात्रा के लिए। पूरा ग्लेशियर काट के रास्ता बनाया है। साइड पे हो जा। गंदा हो गया पूरा गड़फ मट्टी जैसा लगता है पूरा मट्टी है। मार दो ऐ लाकड़ी मार दो बर्फ का गोला किसी को खाना है खाली कलर ले तो ठीक आ जाओ ना। अभी तो भैया ऊपर तक चढ़ाई करनी है हमको। ये ऊपर तक की चढ़ाई है फिर तो आगे से सीधा रास्ता ये। तो चलो धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं भोले बाबा का नाम लेके। आइए ऊपर आइए। भोगले कमी रह गई। हेलो चलो ऐसा है अपनी बीआरओ टीम ऊपर काम कर रही है। देखो
ये होती आर्मी। अभी होली के 3 किलोमीटर पैतृक गुफा। BSF आ रही बोले बहुत नाराज नहीं हुए। तो अंबानी पे त्या पगे लागले गेले हा फ्री आवाज बरोबर पडतो लागले हिबाटल बालटाल और पहलगाम वाला रास्ता इधर संगम हो रहा है, आप देख सकते हो जो सामने पुल है वहीं पे संगम हो रहा है दोनों रास्ते के। ये वाला रास्ता और पहलगाम चंदनवाड़ी वाला रास्ता इधर आता है। सभी घोड़े अभी इधर उतार देंगे, आगे पैदल जाना है। इधर बालटाल और पहलगाम वाला रास्ता यहाँ पे दोनों आते हैं और घोड़ा भी इधर छोड़ते हैं, आपको देख सकते हो। आगे आगे इधर आगे जगह है। हाँ चलो चलो, ये है पहलगाम और ये आता है बालटाल से, बस इधर खत्म। देख लो ऑक्सीजन सिलेंडर इतना बड़ा है इधर। वो खतरनाक ठंडू पानी जब बर्फ में उगड़ेलू तो जी सको जो अंदर पड़े वो बाहर आव पड़े से। अंदर जरीक पानी में पग मुकेले तमने एम ज लागे कि हूँ बर्फ बनी गयो, अंदर सुम्मो मारी जाए शरीर। सर यहाँ पे बहुत ठंडा पानी है, सब छूट मार जाते हैं, कुछ ऐसा लगता नहीं है कि है कुछ। हेलो यहाँ को जा आप देख रहे हो, देखो नहाने के लिए एक बार डूबना तो पड़ेगा। एक बार नहाओगे तो फिर अच्छा रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आके नहाए नहीं तो समझ लो कुछ फायदा ही नहीं। वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, वीडियो बना जाओ, वीडियो कॉलिंग। अभी नहाना धोना हो गया, अभी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। चलो जाते हैं दर्शन करने के लिए। जो भी हम नहा रहे थे वो सब यही बर्फ का पानी पिघल के नीचे आता है
और उसमें नहाने का रहता है। आप देख सकते हो कितना बड़ा ठंडा पानी रहता है। गुफा तक पहुंच गए, अभी ऊपर चढ़ना बाकी है।